हेलो दोस्तों, आपने ट्रैक्स तो बहुत सारी की होंगी, लेकिन क्या आपने कभी मानसून के वक्त ट्रैकिंग की है? मानसून में ट्रैकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ जो थ्रिल जो आपको मिलता है वो काफ़ी मज़ेदार होता है। तो मैं आपको एक ऐसे ही ट्रैक एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने की थी पिछले साल। ये मैंने की थी नेपाल के चरंगे एरिया में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो जब हमको थोड़ा सा मौका मिला, जब बारिश कम हो गई थी, तो हम निकल पड़े थे ट्रैकिंग के लिए। वो ट्रैकिंग थी एक वाटरफॉल की तरफ, जो हमको लगा कि बहुत इजी होगा, लेकिन बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे मानसून के वक्त बारिश कुछ ज़्यादा ही होता है, अनलाइक दिल्ली वगैरह में जहाँ पे बारिश रुक रुक के होती है। यहाँ पे बारिश कंटिन्यूसली होती है, कभी कभी पूरा दिन बारिश होता है, मे बी इवन 4-5 दिन तक लगातार बारिश होती है। तो अगर आपका प्लान है कि बारिश के वक्त आप मानसून ट्रैकिंग करोगे, तो ये खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, जब मौसम साफ़ हो जाएगा तभी आप अपने ट्रैक पर निकलना। जिस दिन हम अपने ट्रैक के लिए निकले थे, उस दिन मौसम साफ था, लेकिन रास्ते में ही बारिश हो गई थी। लेकिन कुछ वक्त वेट करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये ट्रैक करेंगे, और जो हमारे साथ जाने वाले थे हमारे, उन्होंने कहा था कि ट्रैक बहुत आसान होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। चरंगे के मेन रोड पर कुछ देर चलते रहने के बाद आपको राइट साइड पर ये एक बोर्ड दिखेगा जिसमें लिखा होगा चरंगे कॉटेज एंड रिसोर्ट। तो ये राइट साइड पे जो कच्चा रोड है, आपको यही रोड चलते रहना है, और यहाँ पे आपको 600 मीटर के बाद आपको ये कॉटेज एंड रिसोर्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं रिसोर्ट पे एंजॉय वगैरह करने के लिए, थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए यहाँ पे जाते हैं लोग। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जंगल के बीच कॉटेज में रहने में, तो आप यहाँ पर स्टे भी कर सकते हो। और ये है कड़ी पत्ता, नेपाल में बहुत ज्यादा होता है खड़ी पत्ता। कॉटेज तक का रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर लगा, क्योंकि जो रास्ता है वो थोड़ा इंक्लाइंड सा है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो ये है आपका चरंगी कॉटेज एंड रिसोर्ट। लेकिन हमको क्या करना है, हमको रिसोर्ट के लेफ्ट तरफ जाना है, और लेफ्ट से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे वाटरफॉल की तरफ। तुम ध्यान से ना, ये गिर मत जाना, बस तुम्हारे आगे के दो दांत गिर जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं देखो इधर, आराम से मंजू तुम। हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे को बोला गया था कि ट्रैक बहुत ही आसान होगा, इसलिए मैं बहुत कैजुअली आया था, इसलिए मैंने ये चप्पल पहने हुए हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग यहाँ पे करोगे, या फिर कहीं पर भी करते हो आप ट्रैकिंग, तो आप ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर पहनना, और चप्पल में तो बिल्कुल ही मत आना मेरे तरह। तो जिस रास्ते से हम जा रहे थे ट्रैकिंग करने के लिए, ये रास्ता काफ़ी स्लिपरी था, क्योंकि जो मिट्टी था वो पूरा गीला मिट्टी था, और उसके ऊपर थे ड्राई पत्ते, तो उसके वजह से जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा था। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद हमको एक ऐसा रास्ता मिला था जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रखा था, और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रखा था उस रास्ते में। बहुत स्लिपरी है। संभाल के यार, संभाल के। हाँ 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 हाँ, पैर नहीं पूरा ले रही हूँ। जूता खोलो, जूता। तो ये क्रॉस करने के लिए पहले तो हमने मना ही कर दिया था, हमें लगा कि वापस चले जाएं, लेकिन फिर हमारे साथ जो हमारे दोस्त लोग थे, उन लोगों ने बहुत मदद की थी, और थोड़े मुश्किल से ही सही, लेकिन हमने ये रोड भी क्रॉस कर लिया था, ये पाथ क्रॉस कर लिया था। तो आप
खुद ही आप देख सकते हो कि ये अगर ट्रैक का पाथ है तो इसका हाल आप खुद ही देख सकते हो। और ऐसा ही हाल हमको एक बार नहीं दो तीन बार मिला था, मतलब यहाँ पे पहाड़ गिरे हुए थे। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि जब बारिश होती है तब मत जाया करो, क्योंकि उस वक्त आपको पता नहीं है कि क्या हो सकता है आपके साथ। नहीं ना बा, सावन आगे मत जाओ, यहाँ पानी है ना, आनु आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये हमारे ट्रैक का सेकंड टफ स्पॉट था, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी पहाड़ का कुछ हिस्सा स्लाइड होके नीचे आ गया है और ट्रैक के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ ऐसे स्पॉट्स हमारे लिए मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन यही स्पॉट्स की वजह से हमारा जो ट्रैक था काफ़ी थ्रिलिंग सा हो गया था। और सच बताओ तो जब मैं वापस घर पहुँचा था तो यही स्पॉट्स की वजह से मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को ट्रैक में आया था इन्हीं स्पॉट्स की वजह से। देखिए मेरा जूता ऐसा हो गया, अब जाओ इधर पर किनु के आउनु के 2 मिनट लायो त्यहाँबाट यहाँ आउन 2 मिनट आदि सेकेन्ड अब लङ्गा लाउनु ल अब एकछिन एकछिनसम्म बनाइ ल मैले हान्छु अगाडि हे अब त राम्रै छ बाटो ल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने चप्पल पहना हुआ है अपने ट्रैक के लिए, ये दो लोकल लड़के जो है वो भी चप्पल पहन के वापस आ रहे हैं अपने ट्रैक से, और उनमें से एक के पास एक चप्पल है सिर्फ, क्योंकि उसका एक चप्पल एक्चुअली खो गया था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चप्पल आप बिल्कुल मत पहनना ट्रैक के वक्त। जब भी आप एक शांत या सूखी नदी को अपना ट्रैक का रास्ता बनाते हो तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी वक्त
वहाँ पानी का बहाव जो है बहुत तेज़ हो सकता है। ये हमारे साथ एक बार हो चुका है, जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोग नदी में नहा रहे थे और अचानक ऊपर से पानी आया, शायद कहीं पहाड़ में बहुत तेज़ बारिश चल रही होगी। और जो तरीके से पानी जो यहाँ पर आया था बहुत ही ज़्यादा तेज़ आया था और मिनटों में ये पूरा जगह जो है पानी से भर गया था और बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो आपको ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ट्रैकिंग कर रहे हो। तो हम फाइनली वाटरफॉल तक पहुंच गए। लोग जो है थोड़ा और ऊपर तक भी जाते हैं, वाटरफॉल के भी ऊपर जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, लेकिन हमने उतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि अंधेरा होने वाला था। थोड़ी मस्ती करने के बाद और कुछ स्नैक्स खाने के बाद हमने हमारा रिटर्न ट्रैक शुरू किया। रिटर्न के लिए हमने नदी वाला रास्ता चूज़ किया और पहाड़ वाला रास्ता चूज़ नहीं किया। आपने देखा ही था पहाड़ वाले रास्ते में कितने जगहों पे पहाड़ का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था, तो वो काफ़ी मुश्किल रास्ता था, इसलिए हमने नदी का रास्ता चूज़ किया जो थोड़ा बहुत ईजी था और हम थोड़ा जल्दी हम घर पहुँच भी चुके थे। क्या करना है? So 1, 2, 3 स्टार्ट। ओवरऑल हमारा ये ट्रैक काफ़ी मज़ेदार था, थोड़ा थ्रिलिंग भी था, बीच बीच में हमको डर भी लगा था, लेकिन जब हम फाइनली घर पहुंचे थे तो लगा था कि हमने कुछ अच्छा किया था उस दिन के लिए, तो ये ट्रैक हमें काफ़ी दिन तक याद रहेगा। तो ये था हमारा वीडियो हमारे मॉनसून ट्रैक का। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, लाइक भी ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। सो सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मॉनसून ट्रैक। ट्रैकिंग खत्म, अब बाय बाय, सब बाय बाय खा रहे हैं। देखो बाय बाय।